नमस्कार, एन भारत के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हम आपको 619 किलोमीटर चल करके महू के जानापाव से जो नदी अंचल के चंबल नदी जो मुरैना और धौलपुर के बीच में आ जाती है उस नदी पर है राजघाट पुल। मैं अपने कैमरामैन साथी से आऊँगा, दिखाएंगे आपको ये राजघाट पुल है। राजघाट पुल और इस चंबल की खासियत ये है कि ये चंबल आधी तो मध्य प्रदेश में आती है तो आधी राजस्थान में इसका हिस्सा है और ये हिंदुस्तान की उन बिरली नदियों में है जो प्रदूषण मुक्त अभी तक है। इसको सदा नीरा भी कहा जाता है, यानी इसमें पानी हमेशा रहता है। और ख़ास बात यह है, ये जो चंबल सफारी है ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर घड़ियालों का प्रजनन केंद्र यहाँ से कुछ दूरी पर देवरी में स्थित है। यहाँ का जो पूरा की पूरा संचालन है, आपको बता दूँ कि धौलपुर की नगर परिषद और वन विभाग राजस्थान मिलकर के इसको संचालित करता है। ये जो नदी है, इस नदी में लगातार कोशिशें होती रही कि इसको किस तरह प्रदूषित किया जाए, लेकिन राजनीतिक संरक्षण का ये नदी शिकार भी होती रही, क्योंकि यहाँ पर जो रेत माफिया है वो नेताओं के संरक्षण के साथ रेत का खनन करता रहा, लेकिन सरकारी शक्ति के आगे कई बार ये दबता भी रहा है, छुपता भी रहा है। और ये जो पूरा की पूरा माहौल है आप देख सकते हैं, चारों तरफ से ये दोनों सीमाएं हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है वो भी कहीं ना कहीं इसकी सीमा से सटता है। हमने जब चुनाव का कवरेज किया तो ये देखा कि पूर्वी राजस्थान जो है, पूर्वी राजस्थान में पूरी तरह से जो माहौल है वो चंबल के इलाके जैसा है, जैसे मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना का माहौल है उससे बहुत ज़्यादा अलग माहौल यहाँ का नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये आगे भी आपको बैठे हुए मगरमच्छ हम अभी और दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मगरमच्छ जो है यहाँ पर सुस्ता रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए। मेरा नाम श्याम है, मैं ड्राइवर हूँ बोट का। कौन कौन से पक्षी आते हैं यहाँ पर? किंग फिशर है और स्कीमर आते हैं। मगरमच्छ कितनी मात्रा में होंगे इस नदी में? मगरमच्छ 2000 करीब मगरमच्छ हैं और घड़ियाल है 1500 करीब नदी के अंदर यहाँ पास में। ये जो मगरमच्छ है, ये घड़ियाल तो पानी को साफ रखता है ना? हाँ, साफ रखता है। और घड़ियाल नुकसान नहीं करता है ना? नहीं, नुकसान नहीं करता है घड़ियाल, लेकिन मगरमच्छ तो खतरनाक होता है। मगरमच्छ खतरनाक होता है। अपन जो अभी बोट पे चलते हैं तो कभी ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ कि मगरमच्छ आया हो? नहीं, बोट से दूर रहते हैं ये, बोट के पास नहीं आते हैं, नजदीक नहीं आते हैं, दूर दूर भाग जाते हैं। इंजन की आवाज़ से ये दूर भाग जाते हैं। अच्छा, इंजन की आवाज़ के कारण ये जो है? हाँ, दूर भाग जाते हैं। तो आपने जैसे सुना कि 2000 मगरमच्छ हैं, 1500 घड़ियाल हैं और देवरी घड़ियाल सेंचुरी में घड़ियालों का प्रजनन लगातार चलता है। आपको बता दूं कि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के जो डॉक्टर आरजे राव रहे, उन्होंने काफ़ी संख्या में इसके लिए काम किया और एक बड़ी मात्रा में देवरी के जो घड़ियाल हैं प्रजनन की वहाँ पे क्षमता बढ़ती रही। लेकिन ये परेशानी हमेशा से रही कि रेत माफिया इस सदा नीरा, इस पवित्र नदी को कहीं ना कहीं उथली करते हैं और ऐसे में प्रशासन लगातार कोशिश करता है कि इस माफिया से मुक्ति मिले और उसमें काफ़ी हद तक प्रशासन सफल भी होता है। इस समय आप देख रहे हैं ये जो है एक पुल और है, एक पुल रेलवे का है, एक पुल हमारा जो है सड़क मार्ग का है, ये राजघाट का पुल कहलाता है। यहाँ पर दोनों ही राज्यों के बीच में पानी को लेकर विवाद भी काफ़ी बड़ी मात्रा में संख्या में होता रहा, लेकिन लगातार कोटा बैराज सहित चंबल को लेकर के लगातार मीटिंग्स होती है और उस मीटिंग्स का नतीजा ये होता है कि दोनों ही राज्यों के किसानों को इस सदा नीरा नदी चंबल से पानी मिलता है। यहाँ के माहौल को देखकर कोई नहीं कह सकता कि अभी राजस्थान में चुनावी सरगर्मी है, क्योंकि नदी जो है अपने प्रवाह में है और हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से हलचल मची हुई है चुनाव की, लेकिन नदी जो है हलचल से दूर है। एक दूसरी बोट आप देखिए सैलानियों को लेकर इस तरह से भ्रमण करा रही है। इसका जो पार्ट है वो काफ़ी चौड़ा है, करीब 1 किलोमीटर से अधिक का पार्ट है और जब बाढ़ की स्थिति आती है तो
तो धौलपुर का जो ये कटी इलाका है तलहटी, वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। यहाँ पर दो तरह की बोट का संचालन होता है, एक जो है वसुंधरा राजे जी की तरफ से भी होता है जो कि अंग्रेजों के लिए पर्यटकों के लिए होता है, उसकी बुकिंग सीधे तौर पर दिल्ली से होती है, जबकि जिस बोट में हम इस समय एन भारत की टीम सफ़र कर रही है ये बोट सीधे तौर पर वन विभाग और धौलपुर नगर परिषद के माध्यम से संचालित है। धौलपुर नगर परिषद और वन विभाग ने बहुत अच्छा रख रखाव यहाँ का किया हुआ है, सैलानियों को आनंद भी आता है और एक सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में लोग इसका आनंद उठाते हैं। दोनों ही विभागों के बीच में अच्छा तालमेल है जिसकी वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। चंबल जो है अपने आप में एक इतिहास रखती है। आपको बता दें, ऐसी किंवदंती है कि एक बार राजा रंतिदेव हुआ करते थे, उनको अतिथि सत्कार का बहुत शौक था। एक बार उनके यहाँ मुगल काल में बड़ी संख्या में मेहमान आए, उन्होंने गौमांस खाने की इच्छा जताई और बड़ी संख्या में गौवध हुआ। उसके बाद एक जो नदी खून की निकली, उस रक्त प्रवाह को चरमणवती नाम दिया गया जो कालांतर में चंबल कहलाई। इसीलिए चंबल को खून की प्यासी या प्रतिशोध की प्यासी भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि एक परिभाषा मैंने कई साल पहले पत्रकार के नाते इस इलाके की थी, वो परिभाषा आज भी मुझे याद है। मैंने ये लिखा कि बीहड़ बंदूक और बगावत यानी चंबल घाटी। हम उस तरफ चलेंगे, आप देखिए एक बड़ा मगरमच्छ किस तरह से उन पक्षियों के बीच में, आप देखिए कितना बड़ा मगरमच्छ है, वो बिल्कुल मुंह फैलाए खड़ा हुआ है। थोड़ा नज़दीक से आप ले जाइएगा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। मैं चाहूँगा कि जूम करके संजय पांडे साहब उस मगरमच्छ का नज़ारा एन भारत के दर्शकों को आप जरूर कराइए। तो ये जो पूरा की पूरा वातावरण है, जैसा मैंने आपको चंबल की किंवदंती बताई, उससे जुड़ी कथा बताई कि कैसे ये चरमणवती से चंबल नदी के तौर पर प्रसिद्ध हुई। ये उन चुनिंदा नदियों में है जो आज भी प्रदूषण से मुक्त है। 619 किलोमीटर का सफर मालवा के महू से सफर करके यहाँ तक पहुँचती है जाना पाव से, जिसको हम जो देखिए आप तीन मगरमच्छ और वहाँ देखिए उस नदी के, इस नदी के तट पर आपको नजर आ रहे होंगे। हम आपको कैमरे के निगाहों से अपनी तीसरी आंखों से वो सारा दर्शन करवाएंगे आज, और इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि चंबल आखिर चंबल क्यों है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।